सभी दोस्तों का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आज के नए ब्लॉग में। एक नया दिन और आप सभी दोस्तों के लिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो गाइस, पिछले लॉकडाउन में हमारे एरिया में एक बेकरी खुली थी। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो लोग रोजगार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, उसी टाइम वहाँ पर एक बेकरी खुली थी। तो आज उस बेकरी में जाने का मौका मिल रहा है। सलोनी ने कहा कि पेस्ट्री खाते हैं, तो फिर मैंने कहा चलते हैं साथ में, और जो है कि ब्लॉग भी बन जाएगा और वहाँ पे ये भी पता लग जाएगा कि अगर कभी आपका बर्थडे हो तो जो हमारे एरिया के हैं तो वहाँ पे ऑर्डर, मतलब केक बना हुआ मिल जाएगा आपको या पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। जिसको पता है वो भी ठीक है, जिसको नहीं पता उसको भी पता लग जाएगा, और वहाँ पे जो है कि आपको भी पता लग जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या सामान अवेलेबल है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें। जब हम वहाँ पे जाएंगे तो आप वीडियो में देख ही लोगे कैमरे में कि क्या क्या आपको वहाँ पे चीज़ें खाने के लिए दिख रही है। वो उन्होंने आगे जो कांच रहता है उस पर डिस्प्ले की होगी। तो आते टाइम जो है मोटो ब्लॉग भी बनाऊंगा, और मोटो ब्लॉग में जो है आपको जो है कि खूबसूरत वादियाँ भी देखने को मिलेगी। तो गैस चलो यार वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सामने है चक्की यहाँ पे, और ये नीचे है बेकरी रोड के नीचे। बंद ची चालू चालू चल की लो क्या बंद भेजी गूगल पे भेजो गूगल पे एक बंद पैकेट जाती और दुई पेस्ट्री दे दिया पेस्ट्री रुकनो पड़ो थोड़ा सी कितने टाइम लगो 5-7 मिनट कोई बात नहीं रुक जाला। और सलोन बताओ और की बना लो कैसे बोल दो तब की खा चाहे मैं और आते हूं को तो पहले तब के को तैयार भेज केक बने अभी रोंद की पहले ऑर्डर दियो फोन ऑर्डर दियो फोन ऑर्डर पे बने। अच्छा चल बैठ जा जब पेस्ट्री बनी तो अभी पेस्ट्री बनी नहीं है तब तो इंतजार करते हैं जब तक पेस्ट्री बनती है। तो यह बरसुड़ी का एरिया बरसुड़ी के ऊपर है धार में। तो यहाँ की इस जगह का नाम है पिपली डांडा, गाँव यहाँ ऊपर है और सामने रहा ऊपर टॉप में बरसुड़ी, और यहाँ से जो है अपना बचन से हूँ। देखे थे भेजी आगे ना आगे ना आगे ना ठीक है। बेकरी से लेने में एक ही फ़ायदा होता है कि आपको ताज़ा ताज़ा मिल जाता है। जब हम वहाँ पे गए उन्होंने कहा पेस्ट्री बन रही है तो 5-7 मिनट वेट कर लो, और जो है कि उसी टाइम बनाए उन्होंने, अब बंद भी ताज़े ताज़े एकदम फ्रेश मिल जाता है। तो ये फ़ायदा है, प्लस ये है कि रेट भी ठीक ठाक मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आपको एकदम अच्छे रेट में मिल जाएगा, यानी कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी लग जाता है। जो हमारे साइड के हैं अगर उनको यहाँ से कभी केक लेना है तो आपको पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। मैंने वहाँ पे पोस्टर की वीडियो भी ले रखी है, अगर कभी आपके पास नंबर ना हो तो आप वीडियो में देख के नंबर नोट कर सकते हो और जो है कि केक ऑर्डर दे सकते हो। क्योंकि वो बोल लेते हैं कि जब ऑर्डर देते हैं तभी बनाते हैं, क्योंकि अगर पहले बनाएंगे तो केक की सेल्फ लाइफ होती है 2 दिन या 3 दिन होती है, उसके बाद जो है केक ख़राब हो जाता है या तो खाने में उतना अच्छा टेस्ट ही नहीं होता है। तो इसीलिए जो है पहले ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद जो है आपका केक तैयार होगा। तो यह पिपली गांव का प्रवेश द्वार ग्राम पंचायत पिपली। दिन के टाइम में दुकानें बंद हो रखी हैं, दिन का टाइम भी क्या है, लेकिन सुबह के अभी
10 बज रही है, लेकिन धूप को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि सुबह की 10 बज रही होगी। मतलब धूप इतनी खतरनाक लगी हुई है ना भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि 12-1 बजे का टाइम हो रहा होगा। और नीचे है ये फील्ड और स्कूल, हमारे गांव के स्कूल भी ऐसा ही है, ऊपर से पहाड़ है और नीचे स्कूल है, यहाँ भी ऐसा ही सीन है। तो आधे रास्ते में आते आते पेस्ट्री की हालत भी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ताज़ी ताज़ी बन रखी है। बता, अभी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हुई, चल खा लेते हैं इसको। पेस्ट्री का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो गाइस, जो एक पीस पेस्ट्री का था वहाँ पे, उसका प्राइस था 15 रुपये, और दो पीस के यानी कि 30 रुपये। और जो एक बन का पैकेट है वो लिया हमने 30 रुपये का, उस पर 12 पीस है, एकदम फ्रेश बन है। और उसके बाद फिर एक बिस्किट टाइप का है, उसका प्राइस है 25 रुपये। चलो ठीक है, ये नीचे की साइड है जेठा गाँव, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। नीचे की साइड के जो खेत हैं एकदम बंजर पड़े हुए हैं। हम लोगों ने भी जो गांव के नज़दीक वाले खेत हैं उन्हीं को करते हैं, क्योंकि कई प्रॉब्लम है। अब गांव में बैल भी कम हो चुके हैं और ज़्यादातर नुकसान बंदर ही कर देते हैं। सो गाइस, गुड इवनिंग, और शाम का टाइम हो चुका है। अभी मैं सो के उठा तब तक प्रिया का फ़ोन आया, यानी कि जो चाचा जी है उनकी लड़की का फ़ोन आया कि मुझे लेने आ जा, वो कहीं गांव जा रखी है और लाली में इंतज़ार कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। शाम के टाइम में मौसम फिर से चेंज हो गया और चारों तरफ जो है बादल लगे हुए आसमान में, और हवा चल रही है खतरनाक वाली। ये है प्रिया, तो प्रिया आ चुका हूँ मैं, ठीक है। कब आ पहुँचते हैं? कब आ पहुँचते? अब बारिश भी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की, तो जल्दी घर पहुँचना पड़ेगा हमें। मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है ने गोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवाओ,